की गलियों ने, आओ 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 मेरे जिगर के छल्लो, कहाँ हो सब लोग। उनकी गलियों नरकू नहीं, उनके बिन नींदों में क्या याद मुझे भी करती होगी वो। व्हाट्सअप एवरीवन, गाना रिलीज हो चुका है, गाना बेहतरीन वाला रिलीज हो चुका है, बहुत बड़ा कोलैबोरेशन, एवरीथिंग म्यूजिक। वन सेकेंड, ऑलराइट। तो पहले मैं थोड़ी अपनी बकचोदी कर लूँ, मैं तो कुछ चीज़ें बता दूँ कि बहुत बड़ी चीज़ हुई है, बहुत 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 प्यारा गाना, बहुत अच्छे लोगों के साथ में, एक वेरी 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 यू नो इम्पॉर्टेंट सॉन्ग जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, वो रिलीज़ हुआ है। बहुत लोगों ने एक्चुअली, आप लोगों ने सुन भी लिया होगा असल में कि गाना क्या था, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसमें यह था जो हम लोगों ने आपसे छुपाया, वो था एश बॉय बादशाह। तो गाने की शुरुआत कैसे हुई, गाना कैसे बना? देखो यार, बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो आप बनाते हो, प्लान करते हो, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो गाने बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि गाने कैसे बने। और वो जो गाने जब होते हैं करेक्ट लोग के साथ, करेक्ट वाइब के साथ, करेक्ट प्यार के साथ, तो वो गाने को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे ही एक गाना है वो, जिसमें गाना तो खैर अच्छा बना क्योंकि बहुत धुरंधर लोग उसमें शामिल थे, लेकिन अच्छी बात दरअसल ये है गाने बनाने की, आई गेट टू मीट टू बादशाह भाई से तो मैं मिला था एक्चुअली असल में, बट आई गेट टू मीट इक्का एंड बादशाह भाई यू नो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मुझे यू नो ये अपॉर्चुनिटी मिली। और ये इक्का, आई वांट टू थैंक यू। मैं कुछ अपने दोस्तों को इसमें लाइव में फिलहाल बुलाऊंगा और अपन बातें करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। थोड़ा वार्म अप कर रहा हूँ, थोड़ा चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें बनी एंड हाउ इम्पॉर्टेंट दिस सॉन्ग वाज और क्या इसका प्रोसेस था। सो बनते 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 चीज़ें बनी और आगे की बातचीत अपन करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मैं बुला लूँ, एक सेकेंड, कैसे इन्वाइट करते हैं, ये भी एक चैलेंज है। रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, ऑल राइट। एक्सेप्ट, और कुछ ही पलों में आपके साथ होंगे। ये हो, व्हाट्स गुड, कैसे हो? कैसा मेरा भाई? भाई ठंड पड़ रही, दुआ भाइयों का प्यार, भाइयों की दुआ है, और गाना आ गया भाई अपना बार। भाई पापा जी कहाँ हैं? बस उनको भी ले रहे हैं, एक सेकंड। हमारे बड़े भ्राता, क्या कंग्रेचुलेशन भाई, आपको मुबारक गाने के लिए। आपको भी बहुत मजा आया, क्या बज रहा है गाना, हम तो पता नहीं कब से सुन ही रहे हैं। बाऊजी कैसे हो? लेट्स गो, मुबारक आपको, मुबारक। कहाँ हो आप वैसे? मैं यार, मैं हूँ अहमदाबाद में। अरे सही, मैं अहमदाबाद में हूँ, बस अभी स्टेज से उतरा ही था अपना। हाउ वाज द गिग? बहुत बढ़िया यार, बहुत ही मजा आया था। तो शादी का शो कॉन्सर्ट बन गया, बड़े टाइम। अरे इतना वहां पे वो परफॉर्म कर दूं, लेकिन मुझे लगा दूल्हा नाराज हो जाएंगे, कैसा गाना गा रहा है भाई। डन, आई नो, आई नो। गाना आ चुका है। पहले, बिफोर एनीबॉडी सेज एनीथिंग, थैंक यू सो मच इक्का, थैंक यू सो मच डीनो। अरे भाई शुक्रिया आपका भाई, उनका इतना प्यारा गाना था, एंड देन मैंने बोला कि भाई मेरे पास मेरी एक कहानी है जो मुझे लगता है इस पे जाएगी। थैंक यू फॉर लेटिंग मी यू नो टेल माय स्टोरी इक्का, यू नो आई लव यू डीनो, यू नो जाने बन गई हो तुम, और थैंक यू सो मच, मतलब ये थैंक यू जस्ट फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस। और बस अब यही होप करता हूं जिसके लिए लिखा है वो भी सुन ले। नहीं नहीं भाई, पहुंच जाएगा भाई, बड़े दिल से लिखा और वो दिल तक पहुंच जाएगा भाई। मैं जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ गाने का, बहुत ही संक्षेप में। इक्का और उन लोगों ने जैम किया था, इक्का ने कुछ प्ले किया था, और मैं वापस ये बोलता हूँ कि कुछ गाने आप बनाते हैं और कुछ गाने ऑटोमेटिक बन जाते हैं। yes. तो ये वो गाना था जिसके लिए आई स्वेयर टू गॉड की एफर्ट नाम की चीज बिल्कुल नहीं ली गई। ये इतना प्योरिटी से गाया हुआ गाना है, इक्का ने प्ले किया, और भाई उस वक्त मैं ना झूम रहा था, और मैंने इक्का को ये बात बोली, मैंने बोला भाई गाना भेज देना, और वैसे व्यवहार नहीं थे, मैं जानता नहीं था इक्का को उतने अच्छे से,
तो मैं ये बोल नहीं पाया कि वो वाला गाना भेज देना, मुझे नहीं पता था कि शायद ये प्लान कर अरे वो वाला गाना भेज देना, क्रॉस करके बैठा हुआ था कि वही वाला गाना हो जो इसने प्ले किया. हम लोगों ने प्यार से गाना बनाया. निक्का ब्रो थैंक यू सो मच फॉर. अरे यार पाजी यार क्या बात कर रहे हो, अगर आप नहीं होते डीनो भाई तो वो गाना बनता ही नहीं. एक्चुअली में यहीं बैठ के लिखा भाई मैंने गाना, यहीं बैठा हुआ था इसी ऐसी पोजीशन में और यहीं बैठा था और मैंने हुक बनाया था और 3 बार वर्स करा मैंने, फिर डिलीट करा मैंने जब मैंने डीनो भाई को सुनाया नहीं. एक भाई मतलब एक एक मतलब वो लड़की तो सही है, हैं वो लड़की है भाई, वो बोलते हैं ना कि भाई लड़के ही गलत हैं, भाई तेरी गलती होगी भाई, तूने कुछ करा होगा भाई, है ना. हाँ तू ही होगा. मैंने कहा मैं क्यों गलत हूँ भाई हमेशा. हाँ तो वाली फील भाई डीनो पाजी के वर्ड्स के बाद आई. और मतलब जब मैंने डीनो भाई का वर्ड्स सुना और मैंने कहा यार फक, मैंने कहा मुझे करना है भाई, अब तोड़ूंगा मैं इसको. हम लोग स्क्रैच में ना, मैंने ऐसे मैंने क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था व्हाट टू गिव दिस, यू नो मैं कैसा कलर डालूं इसमें, मैं थोड़ा सा ह्यूमर रखूं बिकॉज ऑफ द बीट और मैं आउटराइट एकदम हार्ट ब्रेक जाऊं. तो मैंने कुछ कुछ किया और मैंने ना अपने फ्रेंड के यहाँ पर वो गाना रिकॉर्ड किया. मैं इक्का को भेजने से डर रहा था, मैंने पता नहीं क्या सोचेगा, पहली बार कोलैबोरेशन है, अब मैं जानता भी नहीं उतने अच्छे से. तो मैंने ना वो गाने को प्ले किया जहां भी हम लोग थे और आई स्वेयर टू गॉड 10 दिन तक हम लोग सिर्फ उसी गाने पे जैम कर रहे थे. जब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया मैंने बोला भाई कुछ लिखा है मैंने, एकदम मूड में रहेगा ना सुनना. ये रात भर सोया नहीं था और इसने गाना सुना, उसने बोला भाई कुछ ना ऑफ लगा, मेरी गांड फट गई. मैंने शिट यार क्या है क्या हो गया. मैंने बोला कि यार यू नो दैट दैट फियर ना दैट कुछ गलत ना हो जाए गाने में, यू नो ऐसा. एंड वी हर्ड इट फॉर द नेक्स्ट टाइम एंड ही सेड दैट आई एम वाइबिंग. नहीं भाई बड़ा जादू करा भाई. और बादशाह पाजी मतलब क्या ही बोलूं आपके वर्ड्स की, और तारीफ करूं और डीनो भाई के कितनी ही तारीफ कर लूं उतना कम है भाई. मतलब जब आपने भेजा था ना वर्ड्स मेरे गूसबम्स उठ गए थे भाई. और मैं बहुत कम म्यूजिक है भाई जो मेरे को गूसबम्स देते हैं, बहुत कम गाने ऐसे होते हैं जो मेरे को फील होता है. जब मैंने वर्ड्स सुना, जब मैंने पूरी, और ये गाना जब पूरा बन गया ना आपका वर्ड्स आफ्टर डीनो भाई का वर्ड्स, मैंने कहा यार मैंने हमने बनाया है ये सच्ची हमारा गाना है. नहीं नहीं का भाई You shout out to Akash. Akash कहाँ है? जादू Akash कहाँ है? सही बात. Akash बाबूजी, I love you, bro. Yeah. मतलब ना ये एक ऐसा गाना है जिसको कम से कम खराब करो बीट से, ये वो गाना है. Right. I think Akash की प्रोडक्शन बहुत, Akash की प्रोडक्शन ने वैल्यू ऐड ही करी है. मतलब ऐसा नहीं लग रहा है. It just flows. और जब चला था गाना हसल पे तभी मैंने कहा भाई जितने की मुझे अकल है ये पूरा सेक्शन अच्छा भाई जो हसल में चलने का उसके पहले दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि देयर इज अ डिवाइन पावर बिहाइंड एवरीथिंग. एब्सोल्युटली उसके पहले तक कोई स्क्रैच का अता पता नहीं था. मैं इसको भेज रहा था, इक्का बोल रहा था कि भाई क्या है, मैंने बोला भाई मुझे पता नहीं बारा ठहरी का है, वो जब होगा तो होगा. मुझे कुछ ही नहीं पता था. लेकिन जो गाना हमने रिलीज किया उस हिसाब का हम थोड़ा माहौल बना लेते, बहुत खुश लग रहे हैं हमने, ऐसे लग रहा है हमने पता नहीं केसरिया लॉन्च. भाई गाने आपको पता ना गाने रिलीज की खुशी आर्टिस्ट को कितनी होती है, कितनी होती है. शादी वाली फीलिंग आती है, मेरी शादी हो सबके. मैं एक ही बात बोलूंगा कि वो गाना जो लोग रोते रोते डांस कर पाए, कि नाच भी रहा है और आंखों से आंसू भी आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो जोन का है. एंड भाई तारे गिन गिन याद से तेरी मैं तारा जागा रहता नहीं, भाई सैड सॉन्ग है भाई, दुनिया कितना नाचती है उस पे, वो सबसे बड़ा सैड सॉन्ग है. कौन सा सृष्टि सुधीर पाजी का. ओहो हो दैट्स अ सैड सॉन्ग. राइट राइट ट्रू ट्रू. ये कह रही खुश रहो भाई रोना मत, तो सृष्टि हम रो नहीं रहे लेकिन सृष्टि को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा. हम लोग रोया दरिया भाई तबाही मचा रही है ना, ख्याल रखने वाली कहीं होती हैं. स्पिन डॉग कितने गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा है भाई. गंदा आदमी नहीं देखा मैंने आज तक. जी राम राम. बट गाइस वैसे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक गाना है जो हम तीनों ने मिलके किया है और मतलब पता नहीं कैसे हो गया, थैंक यू फिर से मैं बोलना चाहता हूँ. एंड वो आ चुका है सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आ गया, सवेरे 11 बजे उसका विजुअलाइजर भी आ जाएगा. तो जिसको सुन के रोना है वो अभी रो सकता है, जिसको पढ़ के रोना है वो सवेरे 11 बजे पढ़ के रो ले. मेरा तो मेरे को तो अपनी कहानी सुनानी थी, मेरा एक ही वो मोटिव है कि जिसके लिए लिखा है वो सुन ले और लास्ट सीन अ लॉन्ग टाइम अगो से चेंज हो जाए थोड़ा. बट
मेरा होटल आ गया, मैं लिफ्ट में जाने लगा हूँ भाइयों। बहुत सारा प्यार बादशाह भाई, बहुत सारा प्यार, थैंक यू भाई, थैंक यू आपका, दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, बहुत प्यार डीनो भाई, इक्का भाई, बहुत गुर्दा जान सब कुछ। और अभी तो है टाइम यार, करो बात, दूर है होटल, भाई जबान ही नहीं खुलती आपके सामने, आप बड़े भाई, आप हमको समझ नहीं आता बोले क्या भाई, कल यार बहुत नहीं पा रही यार सच्ची में, मैं तो ऐसा हो जाता हूँ भाई, आई लव यू, क्या बोलू, जब आप बड़े बात कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा। जो आपने बातें लिखी है ना भाई, वो इट्स वेरी आई डोंट नो, मतलब वो ना, वो इतनी दिनचर्या वाली बात और वो इतनी इम्पैक्टफुल है, और वो यू नो कि मैं ओल्ड स्कूल, मुझसे मूव ऑन नहीं होता ब्रो, वो इट जस्ट गेट स्टक हियर, यू नो इट्स जस्ट, आई थिंक क्योंकि आपको वल्नरेबल नहीं देखा, आपको वल्नरेबल नहीं देखा है मैंने, आपको वल्नरेबल बहुत, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर, यू नो आई थिंक, आई मीन लुक एट, आई मीन अगर कोई आपको देखे या इक्का को देखे, हम सारे ठग संगठन डीनो, लेकिन अंदर से तो कुछ नहीं है यार, हम कुछ नहीं है, एक 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 मुझसे बात मत करो कि मार रहा हूं ये गाइस, लव यू सो मच, लव यू, थैंक यू भाई, लव यू भाई, और बहुत सारा प्यार, जो भी है वो गाना आ चुका है, जाके सुने जो भी हमको देख रहा है सुन रहा है, और डीनो भाई, बादशाह भाई, एक का आकाश कहाँ है, डेफ जैम, यू नो व्हाट टाइम इट इज, लेट्स गो, याद मुझे भी करती होगी, लव यू, लव यू, बाय भाई, गुड नाइट, ध्यान रखें आप, बाय 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 बाय। हाँ जी भाई, भाई तो गाना आ गया भाई, हमने कर दिया भाई, कांड हो गया है, जितने लोग आपको सुन रहे हो सब लोग सुन लो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत दिल से लिखी गई बातें है, ये गाना मैं लिख कर दे रहा हूँ, मैं बहुत कम ऐसा बोलता हूँ गानों के बारे में, एंड बिकॉज ऑफ द एनर्जी, ये आदमी आपके सामने बैठा हुआ है, द बेस्ट मदर फकिंग गाय दैट आई हैव नोन इन हिप हॉप, आई कैन से दैट ही, मतलब आई मीन थैंक यू ब्रो, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी इन योर सॉन्ग, तू जितना भी हम्बल होकर बोलेगा, तू जितना भी कुछ बोलेगा, मैं तुझ तेरी बातों से अग्री नहीं करूंगा, और मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि इनिशिएटिव सीड गाने का, गाने की शुरुआत वो आपने की है, और गाने को जो पूरा एक एक सोल, एक लोगों को इंटरेस्ट खींच के लेने आकर, और सबसे बड़ी चीज हुक होती है, दैट यू इनिशिएटेड, एंड आई जस्ट अगेन वॉन्ट टू थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल थिंग व्हाट हैपेंड, और आप सब लोगों से बोल रहा हूँ ब्रो, सुनो जाकर मजा आएगा बहुत, आगे सुनो और प्यार दीजिए, और जैसे आप हर गाने को देते हैं डीनो भाई के, इक्का के, बादशाह भाई के, और इस गाने को भी प्यार दीजिए आप, और अच्छा गाना है यार, दिल से लिखा और बहुत दिल से बनाया गाना, मतलब कोई फिल्टर नहीं है, कोई ये नहीं है कि किसी और की कहानी है, अपने हमने तीनों ने अपनी कहानी कही है भाई इसमें, जो हमको फील हुआ है कहीं ना कहीं, हमने एक्सपीरियंस करा लाइफ में, वो हमने इस गाने में बोला, और शायद ये छुएगा सबको, शायद क्या छुएगा, पक्का छुएगा भाई, भाई मैं बज रहा हूँ, मैं पिछले एक डेढ़ महीने से जब भी अपने स्क्रैच है ना, वो स्क्रैच से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि फाइनल रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता था, चलो भाई यार, भगवान ने सोच रखा था इसका ऐसे होना और हुआ, एब्सोल्युटली दिनों भाई, बहुत सारा प्यार, बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है, बहुत किक-ऐस वीडियो आने वाला है, तो उसका भी वेट करना, धीरे धीरे चीजें पार करेंगे, अभी गाना सुनो, जैसे बादशाह भाई ने बोला, जिसको पढ़ के रोना है कल सुबह पढ़ के रोना, ये बहुत सारा प्यार सबको, वो आ चुका है, इक्का, डीनो, बादशाह, आकाश कहाँ है, डेफ जैम, यू नो व्हाट टाइम इट इज, गो जाके देखो सुनो, चुन्नी बहुत सारी आप, ओके डीनो, लेट्स गो ब्रो, ध्यान रखिए, गुड नाइट भाई, बाय ब्रो।